मैं सीमा अग्रवाल वेजिटेरियन खजाना में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और बहुत इजी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जिसका नाम है वेजिटेबल ग्रेटिंग। ये मेरी लाइफ की फर्स्ट बेकिंग रेसिपी है। ये आज से 30 साल पहले मैंने इसको बेक किया था और हम एक पार्टी में गए थे तो मेरे पापा को ये वहाँ पर बहुत पसंद आया था तो मैंने ये रेसिपी घर आकर ट्राई की थी और उस बात को आज 30 साल हो गया, आज ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है इसकी सामग्री। ग्रेटिंग बनाने के लिए हमें कुछ सब्जियों को बॉईल करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ये आधा कप मटर के दाने लिए हैं, आधा कप ही मैंने बीन्स ली है जिसको मैंने मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लिया है, आधा कप भी कॉर्न के दाने लिए हैं, ये स्वीट कॉर्न है, और आधा कप ही मैंने गाजर को लिया है जिसको मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। इसमें हम आधा कप पानी डालकर एक प्रेशर आने तक उबालेंगे और प्रेशर को हम तुरंत ही ठंडे पानी से खोल देंगे। सब्जियों में मैंने आधा कप पानी डाला है और अब हम इसे एक सीटी आने तक उबाल लेंगे। हमारे कुकर में एक सीटी आ गई है, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। कुकर का प्रेशर हम तुरंत ही ठंडे पानी में करके निकाल लेंगे नहीं तो हमारी सब्जियां ज्यादा पक जाएंगी। देखिए मैंने कुकर को ठंडे पानी से प्रेशर निकाल के सब्जियों को छलनी से छान दिया है ताकि हमारी सब्जियां ज्यादा ना पके। चलिए हम ग्रेटिंग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेटिंग के लिए व्हाइट सॉस बना लेते हैं। मैंने एक पैन को मीडियम आंच पे गरम करा है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून बटर डाल दूंगी। बटर डालते ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून मैदा के डाल दूंगी। और हम इसे भून लेंगे। मैदा को हमें सिर्फ इस मैदा के कच्चापन दूर होने तक भूनना है, हमें इसका रंग नहीं बदली करना है। जब ये भून जाएगा तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी। हमारा ये मैदा भूनकर तैयार है। हमें ये मैदा इतना ही भूनना है, ये इसकी पहचान है कि इसमें मैदे में झाग आना शुरू हो जाएगा, मैदे का रंग नहीं बदली होगा। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध डालने के टाइम में आप ध्यान रखिएगा, लगातार चलाते हुए दूध डालिएगा नहीं तो मैदे में गुठलियां पड़ जाएंगी। ये व्हाइट सॉस बनकर तैयार है। सबसे पहले मैं इसमें कुछ ब्रोकली के टुकड़े डाल दूंगी ताकि हमारी ब्रोकली सॉस के साथ पक जाए। ये 3/4 स्पून व्हाइट पेपर पाउडर है। अगर आपको व्हाइट पेपर पाउडर ना मिले तो आप काली मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ये नमक स्वादानुसार डाल रही हूँ मैं, करीब मैंने 3/4 स्पून ही नमक डाला है और 3/4 स्पून ही मैंने शुगर डाला है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर करीब 2-3 मिनट पकने देंगे ताकि हमारी ब्रोकली पक जाए। ब्रोकली हमारी पक चुकी है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून चक्कर किया हुआ चीज डाल दूंगी। ये जो हमने सब्जियां उबाली थी ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सब्जियां हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं सॉस में। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और अब हम इसे एक बेकिंग डिश में ट्रांसफर करेंगे। इसको मैंने एक बेक डिश में निकाल लिया है। ये देखिए कितनी कलरफुल लग रही है देखने में। मैंने कद्दूकस में थोड़ा सा घी लगा लिया है। घी लगाने से हमारा चीज इसमें चिपकता नहीं है। अब मैं इसमें चीज कद्दूकस करके डालूंगी। मैं इसमें 2 तरह की चीज यूज कर रही हूँ, एक कुकिंग चीज और एक मजरोला चीज। मैंने 4 क्यूब इसमें कुकिंग चीज का कद्दूकस कर दिया है। अब मैं इसमें कद्दूकस करी हुई मोजरेला चीज डालूंगी। देखिए मैंने पूरी ग्रेटिंग में अच्छे से चीज डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डालूंगी, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। ये मैं थोड़ा सा पिज्जा पास्ता मसाला डाल रही हूँ इसमें और कुछ चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ मैं इसमें।
चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं बटर डाल दूंगी ताकि हमारी चीज मेल्ट अच्छे से हो सके और जले नहीं। हरी एक ग्रेटिंग बेक होने के लिए तैयार है, आइए हम इसे ओवन में रखते हैं। ओवन को मैंने 180 डिग्री में प्री हीट कर लिया 10 मिनट के लिए। हम इसे सेंटर रैक में बेक होने के लिए रखेंगे और जब तक बेक करेंगे जब तक चीज अच्छे से पिघल नहीं जाएगी और ऊपर से ब्राउन नहीं हो जाएगी। ग्रेटिंग को सिकते हुए करीब 20 मिनट हो गई है। ये देखिए हमारा ग्रेटिंग सिककर तैयार है, अब हम इसे ओवन से निकाल लेते हैं। ये देखिए ग्रेटिंग को मैंने ओवन से निकाल लिया है। ये कितना अच्छा इसका कलर आया है, चीज एकदम अच्छे इवनली ब्राउन हुई है। ये रेसिपी आप बनाइए और अपने घर में एंजॉय कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।